फिर से एक नई राइड की शुरुआत हो रही है और आज है 7 जून और मैं जा कहाँ रहा हूँ आप आगे पता चल जाएगा आपको। और मेरे साथ इस बार राइड पर 2 लोग और जा रहे हैं, अभी मिलवाऊँगा आप उनसे। तो चलो अभी निकलते हैं। तो हम निकले हैं अभी लद्दाख के लिए और मेरे साथ इस बार हैं मिस्टर नरेंद्र और वो है मिस्टर जसमेर और इधर हमारी बाइक खड़ी है, अभी दिखाता हूँ बाइक। तो रात के 9 बज चुके हैं और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो सोचा कि रात को ही निकलते हैं। बस अभी आगे चलेंगे, अम्बाला आएगा पहले, उसके बाद आएगा जलंधर पठानकोट, देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचेंगे आज। और ये जैसमेर को नींद भी आने लगती है अभी 9 बजे ही। तो ये खड़ी है अपनी बाइक फुल लोडेड, पूरा का पूरा सामान मेरी बाइक के ऊपर है। और ये रही दूसरी बाइक और अभी खाना खाने के लिए रुके हैं। अभी खन्ना पहुंचे हैं और 11 बज चुके हैं, 9 बजे निकले थे रात को। अभी खाना खाएंगे और उसके बाद चलते हैं आगे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था NH 44 पर। बस अब खाना खा के यहाँ से लगभग कोई 1-1.5 घंटे में निकलते हैं, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ। चलो मिलता हूँ दोबारा। और ये आ गया हमारा डिनर, दाल मखनी कड़ी और ये सलाद और वो नरेंद्र जी मक्खन लगा लगा के रोटियाँ खा रहे हैं। मजा आएगा जैसे मेहर को सुखी मिलेंगी। इतना बड़ा मक्खन का टुकड़ा लिए बैठे। A few moments later. तो होटल से खाना खाने के बाद थोड़ा आगे आए हैं, लगभग 40 किलोमीटर, और यहाँ पर टोल है सामने, यहाँ टोल है और इधर गुरुद्वारा साहिब है। और यहाँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके हैं अभी। और ये इधर बाइक खड़ी है और अंदर ये सोने के लिए जगह है, थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद आगे निकलेंगे। The next day. रात की राइड कैसी रही? बहुत बढ़िया, बड़ा मज़ा आया और बड़ी नेचुरल एक फीलिंग आई कि किसी अच्छी जगह पर जा रहे हैं। रोड अच्छी थी ना, मज़ा आया ना? हाँ, बहुत बढ़िया रोड, पंजाब के अंदर रोड बहुत बढ़िया बनाए हुए हैं। और ये मेरे पीछे टोल है, दिखाता हूँ अभी। और ये टोल है मेरे पीछे और अभी यहाँ रुके हैं। और मिस्टर नरेंद्र जो है ना, वो लेडीज़ टॉयलेट के अंदर घुस गए। अभी बाहर आते हैं तो दिखाता हूँ, इस टॉयलेट में से बाहर आएंगे अभी।
और ये रही हमारी बाइकें, एक बाइक ये खड़ी है, एक उधर खड़ी है, और ये मिस्टर नरेंद्र लेडीज टॉयलेट से बाहर आते हुए प्रूफ के साथ। अब क्या छुपाने का फायदा ही नहीं है, रिकॉर्ड होगी अब तो। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे कि आप लेडीज टॉयलेट के अंदर घुस गए थे? उल्लंघन किया है, उधर इमरजेंसी थी और वो बंद पड़ा था, इमरजेंसी में यूज कर लिया। बाकी ये गलत लिखा हुआ है ऊपर। गलत नहीं है ये, ठीक है भैया जी, लेडीज टॉयलेट है ये। ऊपर लेडीज और जेंट्स का दोनों का लगा हुआ, ध्यान से देखिए, पटे लिखे हैं वहाँ पे आप। हाँ, उस बोर्ड पे लेडीज और जेंट्स दोनों है, पर अब ये नहीं पता कि बाहर सिक्योरिटी सच क्या थी। बाहर सिक्योरिटी वाला भी था, बाहर सिक्योरिटी वाला भी था। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पठानकोट। अभी वैसे पठानकोट में पहुंचा नहीं हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। और सुबह का टाइम हुआ है, अभी 6 बजे हैं और आज है 8 जून 2022, और मैं निकल रहा हूँ अपनी लॉन्ग राइड के लिए, लद्दाख के लिए। और ये मेरी जो लद्दाख की राइड है, ये सेकंड राइड है। लास्ट ईयर में गया था 21 में, और 22 में दोबारा जा रहा हूँ। अब रात 8 बजे घर से चला था, उसके बाद अंबाला आया, अंबाला के बाद लुधियाना, जलंधर होते हुए पठानकोट पहुंचने वाला हूं। बस रास्ते में चलते भी रहे, रुकते भी रहे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग राइड हुई। अभी देखेंगे कि आज कहां तक पहुंच पाते हैं। वैसे प्लानिंग तो ये है कि पत्नीटॉप तक जाना है आज, पत्नीटॉप कैंपिंग करेंगे। पर अभी देखेंगे कि वहाँ कैंपिंग के लिए कोई जगह मिलती है नहीं। आज दोपहर तक शायद हम पत्नीटॉप पहुँच जाएं, और अभी जम्मू आएगा, जम्मू के बाद आएगा पत्नीटॉप। और मेरे साथ जो राइड कर रहे हैं मैं उनसे मिलवाऊंगा, वो थोड़ा आगे निकल चुके हैं। रात को मोटो व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि अंधेरा होता है काफ़ी, तो गोप्रो में इतनी क्लैरिटी नहीं है कि वो अंधेरे में भी रिकॉर्ड करे, तो अभी शुरू किया बस। मौसम अभी तक तो ठीक है, दिन में गर्मी हो जाती है इसलिए रात को ही निकले थे घर से। रोड अच्छी थी, बहुत बढ़िया रोड थी, और कहीं भी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यहाँ तक आसानी से पहुँच गए। तो चलो आगे मिलता हूँ। मैं पहुंचने वाला हूं अभी लखनपुर बॉर्डर, बस थोड़ी दूर है यहां से। और व्यू बहुत ज़बरदस्त आ रहा है अब यहां, चारों तरफ बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। सामने है लखनपुर बॉर्डर, तो यहाँ से जम्मू शुरू है, और नेटवर्क भी बंद हो जाएगा अब।
वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। तो लास्ट ईयर जब मैं लद्दाख गया था तो उस टाइम जम्मू से उधमपुर गया था। रोड बहुत बढ़िया था, एक नंबर, पर वो थोड़ा रूट लंबा पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सांबा से ही निकल जाते हैं इस बार, ये रूट थोड़ा छोटा है। चलो देखते हैं, अभी रोड आई नहीं है जहाँ से टर्न लेना मैंने। अभी शायद आगे जाना पड़ेगा। तो ये रूट जाएगी उधमपुर के लिए। थोड़ा घूम के आना पड़ा क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं यहाँ। तो चलो मिलते हैं आगे। बहुत खूबसूरत लोकेशन है। आज थोड़ी गर्मी है पर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पहाड़ बिल्कुल पत्थर वाले हैं, वो सामने घूम के ऊपर जाना पहाड़ पे। और उसके बाद जाएंगे पत्नीटॉप, पहले उधमपुर आएगा। आज की प्लानिंग हमारी पत्नीटॉप तक है कि आज पत्नीटॉप में स्टे करेंगे, और अगर हो सका तो कैंप लगाना है वहाँ पर। और मेरे पास लगेज भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि कैंपिंग करनी है, तो सामान ज़्यादा लेके आना पड़ा। बिल्कुल अलग ही तरह के पहाड़ हैं, बिल्कुल पत्थर के पहाड़ दोनों तरफ। तो अभी एक लंच ब्रेक हुई, बस अब आगे निकलेंगे यहाँ से। और अभी एक लंच ब्रेक लिया, और ये गेट है, यहाँ से मानेसर लेक आती है, पर हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा, और मानेसर लेक दिखाई देती है यहाँ से, काफ़ी बड़ी लेक है। उधमपुर पहुंच चुका हूं और अभी बस श्रीनगर वाला रूट पे जा रहे हैं, और इसी रूट पे आगे आएगी चनानी टनल, और वहीं से रास्ता जाएगा पत्नीटॉप की तरफ। पर अभी डिसाइड नहीं है कि
पत्नी टॉप जाएंगे या चनाली टनल से निकल के सीधे श्रीनगर की तरफ, वो टाइम पे डिपेंड करेगा। तो अभी चनाली टनल तक पहुंचना पहले, उसके बाद सोचेंगे अभी क्या करना है। और जो पीछे रोड था बहुत बुरी हालत थी उसकी, ख़राब था, ब्रेकर थे बहुत ज़्यादा। और ये जो रूट है ये जम्मू से आ रहा है, ये अच्छा है, ये थोड़ा लंबा पड़ता है पर उस रूट से अच्छा है। तो चलो मैं मिलता हूँ अभी टनल के पास पहुँच के, उसके बाद डिसाइड होगा कि कहाँ जाना है। एक नंबर हाईवे है, बहुत बढ़िया है। लास्ट ईयर जब मैं आया था तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, हाफ बन चुका था, हाफ अभी पेंडिंग था, पर मुझे लगता है कि ये सारा हाईवे बन चुका है, बहुत बढ़िया है। टनल तक तो मुझे याद है, चनानी टनल तक वहाँ भी अच्छी रोड थी, और ये पिछले एक साल में बना। कई किलोमीटर लंबा जाम है पर काफ़ी दूर तक तो निकल आया हूँ मैं। बाय कर दे, क्या हो रहा? बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ चनानी टनल। लास्ट ईयर जब मैं आया था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया यहाँ की। बस टनल यहाँ से भी थोड़ी दूर है और टनल के बाद एकदम से सारा कुछ नज़ारा ही चेंज हो जाता है। तो ये मेरे सामने है चनानी नाशरी टनल। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी लाइटिंग है और शायद वेंटिलेशन भी बहुत बढ़िया है, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही धुएं की।
बहुत मज़ा आया। और अभी एग्जिट, तो फ्रेंड्स होटल के रूम में पहुंच चुके हैं और कल रात को अपनी राइड स्टार्ट की थी और शाम के अब 4 बज चुके हैं और मैं अभी चनानी टनल से थोड़ा आगे हूँ और यहाँ पर होटल ले लिया है। और बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और कल सुबह प्लानिंग है कि श्रीनगर जाएंगे और उससे आगे सोनमार्ग तक जाना है। एक बार मैं व्यू दिखा देता हूँ कि बाहर का व्यू यहाँ का कैसा है। तो ये है यहाँ का व्यू, काफ़ी अच्छा व्यू है, सामने पहाड़। और बस अब खाना खाएंगे और रेस्ट करना बस, और कल सुबह निकलेंगे आगे। और ये रूम है और ये सो गया मिस्टर नरेंद्र। ये सारा सामान बिखरा पड़ा है यहाँ पर। और ये मिस्टर जसमेर जी सोने लग रहे हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं बस। और कुछ सामान अभी यहाँ बिखरा पड़ा है इधर भी। और ये रूम हमें पड़ा 1100 रुपये में। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसके बाद की प्लानिंग श्रीनगर की है और कल सुबह निकलना श्रीनगर के लिए। आज की राइड काफ़ी लंबी थी, बहुत थकावट भी होगी क्योंकि लगातार हम चलते भी रहे, रुकते रहे, चलते रहे, रुकते रहे। लगभग 24 घंटे करीब हो गए हैं बाइक चलाते हुए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, तब तक के लिए।